जो है वो सिंध गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और तीन नालों पे भी 80% काम हो गया था। ठीक है, तो बात यह है कि कौन से मुल्क में या पाकिस्तान के कौन से सूबे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के होते हुए काम करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है स्पेशली कराची में कि चार ZMCs जो हैं छह में से वो PTI और MQM के पास हैं और मेयर भी उनका है और उनको बजट भी मिलता है। पिछले साल तो फैसल वाउडा इतने जज्बाती हो गए कि वो नैब में चले गए कि मेयर कराची को 20 महीने में 16.5 अरब रुपए मिले थे, इन्होंने क्या किया। और इस साल भी अगर मैं कहूं तो गलत लगेगा, मुस्तफा कमाल ने कहा कि 15.5 अरब तो मिल चुके हैं, इन्होंने काम क्यों नहीं किया। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से नाले साफ करने के लिए तो आपको आपको लगता है कि तो मामला कोई और आप है। बताएं कि आपको लगता है शैला जी कि मामला कोई और मेरा है? ये कहना है नहीं, मामला तो कोई और मुझे होता तो फिर तो पूरे मुल्क में, मतलब कराची में मसाइल हैं, लेकिन मैंने तो लाहौर डूबा देखा, कराची के तो नशेबी इलाके जहां पे तजावुजात थी वहां मसाइल है और तजावुजात है, लेकिन लाहौर के तो मैंने सारे एरियाज डूबे देखे। ठीक, मुझे वजूहात जो बहुत बड़ी नजर आई वो मुझे चीनी का 100 रुपए कीमत जो है उसकी क्रॉस करना नजर आई, मुझे जो वजूहात नजर आई वो पेट्रोलियम प्राइसेस नजर आई, मुझे जो वजूहात नजर आई वो आटा 72 रुपए हो गया ये नजर आया, वो तो मुझे जो वजूहात नजर आई वो मीशत जो है वो नेगेटिव में चली गई वो मामला। लेकिन कराची के मसाइल है, कराची का मामला तो सुप्रीम नहीं नहीं कराची के मसाइल है, लेकिन इसमें फेलियर तो वफाकी गवर्नमेंट का है कि उनकी पार्टी और उनकी अलायंस जो है वो चार ZMCs में उनका बजट उनके पास काम नहीं करते। वाकई कराची यतीम है, सही कह रहे हैं टॉर्नी जर्नल। अच्छा, ये नतीजतन हमें काम करना पड़ रहा है। ठीक, अब हम तो इतना अच्छा नहीं कर सकते ना, हमारा काम